आगरा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की बीएएमएस परीक्षा में कॉपी बदलने वाले गैंग का सरगने की तलवार छात्र नेता के इर्द गिर्द घूम रही है। गैंग के एजेंट के रूप में काम करने वाले डॉक्टर को पुलिस ने जेल भेज दिया। इसके साथ कोर्ट के आदेश पर टेम्पो चालक को 4 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। इसमें छात्र नेता और उसके सहयोगियों के बारे में जानकारी मिल गई। पुलिस अब छात्र नेता और उसके साथियों की तलाश कर रही है। बीएएमएस परीक्षा में कॉपियां बदलने की शिकायत विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक को 27 अगस्त, जिसके बाद पुलिस ने टेम्पो चालक देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था। देवेंद्र सेंट जॉन्स कॉलेज से कॉपियां लेकर छलेसर कैंपस या आगरा कॉलेज जाने के बजाय मोती कटरा में गया था। यहाँ कुछ देर रुकने के बाद वह आगरा कॉलेज पहुंचा। देवेंद्र द्वारा छलेसर कैंपस में एजेंसी को दी गई कॉपियों में 2 बंडल कम मिली थी। देवेंद्र से पूछताछ और कॉपियों के बंडल गायब मिलने के बाद कॉपी बदले जाने की पुष्टि हो गई। देवेंद्र के मोबाइल से शिकवाबाद के डॉक्टर अतुल यादव की चेक, इसके आधार पर पुलिस ने शनिवार को डॉक्टर अतुल यादव को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। उससे पुलिस को कुछ दस्तावेज भी मिले। पुलिस के अनुसार डॉक्टर अतुल गैंग से एजेंट के रूप में जुड़ा था, वहीं बीएएमएस छात्रों को गैंग से मिलवाता था। अतुल ने FH मेडिकल कॉलेज से MBBS किया था, इसके बाद दिल्ली से PG की तैयारी कर रहा था। आपको बता दें कि पुलिस ने टेम्पो चालक देवेंद्र को कोर्ट के आदेश पर रविवार सुबह 11 बजे पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया। जेल से लाकर उससे पूछताछ की गई। इसके बाद उसकी निशानदेही पर मानसिक आरोग्य शाला के पास झोपड़ियों से कॉपियों के 2 बंडल बरामद किए। ये बंडल एजेंसी को सौंपने के बाद यहाँ छिपा दिए गए थे। दोपहर 3 बजे पुलिस ने देवेंद्र को जेल में दाखिल करा दिया। डॉक्टर अतुल और देवेंद्र से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि गैंग के सरगना सिकंदरा क्षेत्र में रहने वाला एक छात्र नेता है। ये पहले भी सुर्खियों में रहा था। मामले में SPCT विकास कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ड्राइवर और डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले में कड़ी से कड़ी जोड़कर कार्यवाही कर रही है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से शाहरुख चौधरी की रिपोर्ट। उसमें यूनिवर्सिटी के तरफ से मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। मुकदमे में पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य आए हैं उसके आधार पर 2 व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। जो एक ड्राइवर था उसको गिरफ्तार किया गया है और एक डॉक्टर अतुल नाम के डॉक्टर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और अभी पूरे मामले में कैसे क्या होता है नहीं होता है अभी तक पूरा तथ्य हमारे सामने नहीं आ पाया है। अभी इन लोगों से पूछताछ में जो कुछ भी तथ्य सामने आया है उससे कड़ी जोड़कर पुलिस कार्यवाही कर रही है और जब अग्रिम कार्यवाही की जाएगी आप लोग गौर कराएंगे। छात्र नेता का भी नाम सामने आ रहा है कुछ ऐसा? अभी तक जितना पुलिस ने कार्यवाही किया है आपको बता दिया गया और जो जो उनके पूछताछ में तथ्य आया है उसके आधार पर और भी कार्यवाही की जाएगी। उनके खिलाफ एविडेंस मिले थे इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के Facebook, Twitter, Instagram पेज को भी फॉलो करें।